गाइस माय नेम इज राहुल कुंतल एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंड लवर्स। तो यार आज हम बात करने वाले हैं लॉन टेनिस मार्किंग प्लान की। तो लॉन टेनिस का आज हम मार्किंग प्लान तैयार करेंगे, लेकिन मार्किंग प्लान तैयार करने से पहले हम उसकी मेजरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसकी मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम उसकी साइड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी साइड लाइंस होती है 23.77 मीटर्स की, और इसकी जो एंड लाइंस होती है वो होती है 10.97 मीटर्स की। इसके बाद इसकी जो सेंटर लाइन होती है वो 23.77 मीटर का जस्ट ऑफ होता है, जो कि 11.885 मीटर्स है। इसके बाद जो सर्विस लाइन होती है वो सेंटर लाइन से 6.4 मीटर की दूरी पर होती है, और एंड लाइन से 5.485 मीटर की दूरी पर। और इसकी जो सेंटर सर्विस लाइन होती है वो एंड लाइन के जस्ट सेंटर में होती है। इसके कोर्ट के दोनों तरफ मार्क्स भी होते हैं, सेंटर मार्क। और जो लॉबीज होती हैं वो साइड लाइन से कोर्ट के अंदर की तरफ 1.37 मीटर की दूरी पर होती हैं। तो हम इसे मार्क कैसे करेंगे, इसके मार्किंग प्लान से पहले हमें इसकी डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो डायगोनल है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम हम अपनी हर ग्राउंड की मार्किंग में यूज़ करते हैं, तो इसमें भी यूज़ करते हैं डायगोनल निकालने के लिए। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इसकी जो साइड लाइन है 23.77 मीटर्स की और एंड लाइन 10.97 मीटर्स की, सपोज दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो हम उससे निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने इसको माना है 23.77 मीटर्स को, और बेस हमारा 10.97 मीटर्स हो गया। तो इससे हम इसे सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इसका जो डायगोनल निकल के आएगा, वो 26.18 मीटर निकल के आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी मार्किंग। इसकी मार्किंग में हम सबसे पहले इसकी जो साइड लाइन है 23.77 मीटर्स की, सबसे पहले हम उसे मार्क करेंगे। तो पहले इसकी साइड लाइन लेते हैं। ये हमने कोर्ट की एक साइड लाइन ली। इसके बाद सपोज ये ए बी, ये कोई लाइन है ए बी। इसके बाद हम किसी भी एक पॉइंट से, ए से या बी से, एक डायगोनल डिस्टेंस पर मार्क आर्क लगाएंगे, और वो आर्क हम दूसरे पॉइंट की तरफ लगाएंगे जिधर हमें कोट मार्क करना है उधर। तो सपोज हमने ए पॉइंट से एक आर्क लिया, ये हमारा जो डायगोनल डिस्टेंस था 26.18 मीटर का, उतना हमने एक आर्क लगाया यहाँ पर। फिर जो हमारी एंड लाइन है 10.97 मीटर्स की, उसका एक आर्क लगाएंगे बी पॉइंट से। और जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी, उस जगह पर हम एक नेल पॉइंट करेंगे जो कि हमारा सी पॉइंट होगा, और फिर हम एंड लाइन को मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट फाइंड करने के बाद सेम काम हमें अब दूसरी तरफ करना है। सेम हम बी पॉइंट से एक आर्क लेंगे जो कि हमारा डायगोनल डिस्टेंस है 26.18 मीटर का, और फिर ए पॉइंट से एंड लाइन का डिस्टेंस लेंगे इसमें 10.97 मीटर्स का, और ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह पर हम एक नेल पॉइंट कर देंगे, और फिर एंड लाइन को मिला देंगे। ये सामने हमें दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, फिर इन पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे टेनिस कोर्ट का रेक्टेंगल बन के हो चुका है तैयार। कोर्ट का रेक्टेंगल बनने के बाद अब हमें जो अगला काम करना है, हमें वो इसकी सेंटर लाइन फाइंड करना है, हमें इसकी सेंटर लाइन मार्क करनी है। उसके लिए हम जो हमारी 23.77 मीटर की जो लाइन है उसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पर 11.885 मीटर पर, यहाँ से 11.885 मीटर पर एक नेल ले लेंगे। एक नेल यहाँ पॉइंट करनी है, और सेम इस लाइन पर एक नेल हमें इसके हाफ डिस्टेंस पर पॉइंट करनी है, और फिर मीटर टेप रखकर इनको मार्क कर देना है। ये हमारे कोर्ट का सेंटर लाइन बनकर हो गई है तैयार। अब इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो है हमें इसकी साइड लॉबीज मार्क करनी है। साइड लॉबीज की जो डिस्टेंस है, जैसा कि हमने पहले देख लिया था 1.37 मीटर्स, तो हमें एंड लाइन साइड लाइन से एंड लाइन पर 1.37 मीटर्स की डिस्टेंस लेनी है, और दो ये काम हमें दोनों तरफ करना है कोर्ट के दोनों साइड। ये डिस्टेंस लेने के बाद अब हम इनको मार्क कर लेंगे।
ये हमारी यहाँ पर साइड लॉबीज बन के हो गई है तैयार। अब हमें सर्विस लाइन मार्क करनी है, नहीं है तो जो सर्विस लाइन है वो सेंट्रल लाइन से 6.4 मीटर की दूरी पर होती है। तो हम सेंट्रल लाइन से और 6.4 मीटर की दूरी पर नेल्स पॉइंट कर लेंगे, ये हमें दोनों साइड करनी है और फिर इस लाइन को हम मार्क कर लेंगे। जो सर्विस लाइन होगी वो लॉबी में मार्क नहीं होगी, लॉबी खाली रहेगी यहाँ पर दोनों लॉबी, और ये केवल कोर्ट के अंदर की तरफ मार्क होंगी। सेम काम हमें इधर करना है, 6.4 मीटर की डिस्टेंस लेनी है दोनों लाइंस पर और फिर हम उसे मिला लेना है। सर्विस लाइन मार्क करने के बाद हमें सेंटर सर्विस लाइन मार्क करनी है यहाँ पर। तो जो हमारी सेंटर सर्विस लाइन है वो एंड लाइन के जस्ट सेंटर में होगी, तो उसके लिए हम एंड लाइन का सेंटर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारी ये एंड लाइन है 10.97 मीटर्स की, इसके जस्ट हाफ पर हमें मतलब 5.485 मीटर्स पर हमें ये सेंटर मार्क और सेंटर सर्विस लाइन मार्क करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंड लाइन पर दोनों तरफ एंड लाइन के 10.97 मीटर के हाफ पर पॉइंट लगा लेंगे, मतलब कि 5.485 मीटर के डिस्टेंस पर किसी भी एक पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट हमें यहाँ लगाना है इस लाइन पर, और जो सेंटर सर्विस लाइन है वो केवल इतने में ही मार्क होगी। ये पीछे के कोर्ट में हमें मार्क नहीं करनी है, और जो सेंटर मार्क्स हैं हमारे सेंटर मार्क एंड लाइन से हमें यहाँ पर मार्क कर देनी है, और इनकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर्स होती है। अब इसमें जो हमारा आखिरी काम बचता है वो है हमें इसमें पोल मार्क करनी है, हमें इसमें पोल सिचुएट करनी है। तो जो पोल्स की दूरी होती है वो सेंटर लाइन पर कोर्ट के बाहर की तरफ 0.914 मीटर की दूरी पर सिचुएट किए जाते हैं। तो सेंटर लाइन पर हम बाहर की तरफ ले लेंगे, मीटर। तो ये हमारा टेनिस कोर्ट का मार्किंग प्लान बनकर हो गया तैयार। अगली वीडियो में हम इसे ग्राउंड पर मार्क करके दिखाएंगे कि इसे ग्राउंड पर कैसे मार्क करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको किसी भी ग्राउंड की मार्किंग के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसे ग्राउंड पर जरूर मार्क करके दिखाएंगे। जय हिंद।